ดาปอยที่ชดาคิดโหหวังมีนังแดงและจะกินน้ำซึ่งมีนังซุ่มและจะกินน้ำเงินแล้วกูมีแรงแต่กูยังมึนคิดว่าโม่แต่กูยังมีแรงว่าหัวแดงแล้วก็ทำลื้อลวงเอามือไปควงอยู่ในแดงแล้วก็มาในเดือดท่าตั้งแข่งเอาไงกันอัศมพังอัศมพังแดดจนอัศมพังและกินน้ำแดงมีนังบุรีบ้าบ้าतो ऑरलैंडो कैसे हो तुम लोग? उम्मीद है कि तुम लोग बहुत अच्छे होगे और नहीं भी होगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या बोला तूने? तो आज की इस वीडियो में तुम्हारा भाई तुम लोगों को कुछ अचानक भयानक भयंकर ट्रिक्स कुछ ऐसे बग्स और ग्लिचेस बताने वाला है ना जिनको देखने के बाद तुम लोगों का रिएक्शन कुछ ऐसा होने वाला है। तो बस तुम लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि इस वीडियो में तुम लोगों को बहुत ही ज्यादा मजे आने वाले और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ना तुम लोग मुझे यही बोलने वाले हो। नहीं, नहीं, मैं नहीं मानता। अभी तो तुम लोग ने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और चैनल भी सब्सक्राइब कर लो यार। ओके। क्योंकि अगर ना तुम लोग रैंक पुश करना चाहते हो तो तुम्हारी ड्यूटी नहीं है ना एक ही सहारा है ये चैनल। तो यहाँ पे तुम लोग को रैंक पुश टिप्स एंड ट्रिक्स और बहुत सारे हिडन प्लेसेस मिल जाते हैं जिनको देखने बाद वहाँ जाके तुम लोग बहुत आराम से अपना रैंक पुश कर सकते हो। तो बस अब जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। ओके। तो शायद अभी तक तुम लोगों ने इस वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही दिया होगा तो चलो शुरू करते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो अभी अपनी सबसे पहले नंबर वाले ट्रिक को करने के लिए जहाँ पे भी तुम लोग ये वाले एटीएम मशीन गिरा हुआ पड़ेगा ना मतलब उस वाली जगह पे आ जाना। मैं परगेटरी मैप में कर रहा हूँ तुम इसे बर्मुडा नेक्स्ट्रा जहाँ भी करना कर सकते हो। और ना इस वाली ट्रिक को करने के लिए सबसे पहले तुम्हारे पास जो अपना मिनी वाला लॉन्च पैड होता है ना उसको लेके आना जरूरी है तुम लोग को। तुम रिसप्लाई मैप से भी ले सकते हो या तुम लोग ड्रॉप से भी ले सकते हो वाले लॉन्च पैड। और ना तुम्हारे पास जब लॉन्च पैड हो जाएगा तुम लोग को ना इस वाले वेंडिंग मशीन के ना पीछे से लॉन्च पैड को लगाना। देख लो मैंने पीछे लगाया आगे सामने की साइड अगर तुम लोग लगाओ ना तो ये ट्रिक वर्क नहीं करने वाला है। तो तुम लोग को ना पीछे की साइड ऐसे कुछ लगा देना अपने मिनी लॉन्च पैड को और ना जैसे तुम्हारा मिनी लॉन्च पैड प्रॉपर लग जाएगा फिर तुम लोग करना ही ना तुम लोग यहाँ से सामान नहीं खरीदना। तुम लोग ना पीछे आना पीछे आने के बाद अपने लॉन्च पैड पे तुम लोग को चढ़ जाना सबसे पहले। तो फिर ना तुम लोग अपने मिनी लॉन्च पैड को ना कुछ ऐसे पूरा ऊपर की साइड कर देना फिर तुम लोगों ने प्रॉपर एम कर देना अपने वेंडिंग मशीन पे। फिर तुम्हारा जो लीवर मिनिमाइज का बटन होता है ना दोनों को साथ में दबाना है और गेम में वापस आ जाना है। और ना जैसे दोनों को तुम लोग साथ में दबा के गेम में वापस आओगे तुम लोग देख सकते हो तुम लोग वेंडिंग मशीन के अंदर आ चुके हो। और ना जैसे तुम लोग अपने वेंडिंग मशीन के अंदर आ जाओगे यहाँ पे आने के बाद तुम बहुत ध्यान से अपना रैंक पुश तो कर ही सकते हो और जो भी बंदे यहाँ पे सामान खरीदने के लिए आएंगे उन्हें तुम लोग बहुत आराम से मार भी सकते हो इस वाली जगह से। और लिटरली ना इस वाली जगह पे आने के बाद तुम लोगों को कोई नहीं देख पाएगा और बहुत आराम से ना तुम अपना रैंक पुश कर पाओगे और बहुत सारे किल भी कर पाओगे। और वेंडिंग मशीन के अंदर ना अगर लास्ट जोन में तुम लोग वाले ट्रिक करके आते हो तो तुम लोग बहुत आराम से बहुत सारे किल भी कर पाओगे और बहुत आराम से अपना रैंक पुश भी कर पाओगे। और ना अगर तुम लोग स्क्वाड गेम में वाला ट्रिक कर रहे हो तो मतलब तुम अपने स्क्वाड के अकेले बंदे बचे और यहाँ पे एक ट्रिक करके तुम लोग अंदर आ जाते हो अपने बंदे को रिवाइव करने आएंगे ना अलग बंदे उन्हें तुम लोग बहुत आराम से मार सकते हो। और हाँ अगर तुम लोग को गलती से इस वाली जगह पे कोई देख भी लेता है ना तो यहाँ पे तुम लोग को गोली नहीं चला पाएगा मतलब तुमको गोली नहीं मार पाएगा तुम्हारे पे एम आएगा लेकिन तो तुम्हें मार नहीं पाएगा तो तुम लोग अमर हो यहाँ पे आने के बाद। तो बस अभी इस ट्रिक के लिए ना एक लाइक तो बनता है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो। अभी अपने दूसरे नंबर वाले ट्रिक को करने के लिए सबसे पहले तुम लोग प्रगेटरी मैप के ना इस वाली जगह पे आ जाना। तुम लोग जो सामने बड़ा सा ट्रक दिख रहा है ना इसके पास तुम लोग को आ जाना सबसे पहले तो। और ना जैसे तुम लोग इस वाले ट्रक के पास आ जाओगे तुम लोग ध्यान से देख लो ना तुम लोग इस वाले ट्रक के पास आ जाना और यहाँ पे आने के बाद तुम लोग अपने मिनी लॉन्च पैड को ना लेके आना इस वाली जगह पे। और ना फिर तुम लोग कर रहे हैं तुम्हारा जो मिनी लॉन्च पैड होता है ना तुम लोग इस वाली जगह पे कुछ ऐसे लगा देना अपने मिनी लॉन्च पैड को। और ना जैसे ही तुम्हारा मिनी लॉन्च पैड यहाँ पे लग जाएगा फिर तुम लोग इसके ऊपर चढ़ना है इसे कुछ ऊपर की साइड करना है। फिर तुम्हारा जो लीवर मिनिमाइज का बटन होता है ना दोनों को साथ में दबा के गेम में वापस आ जाना। फिर तुम लोग देख सकते हो तुम लोग पूरा ट्रक के अंदर आ चुके हो। और ना जैसे तुम लोग अपने गेम को लीवर मिनिमाइज करके आओगे ना तुम लोग देख सकते हो तुम लोग ना पूरा ट्रक के अंदर बीचों बीच आ चुके हो मतलब यहाँ पे आने के बाद ना तुम लोग कोई नहीं देख पाएगा लिटरली। इस वाली जगह पे आने के बाद तुम लोग बहुत सारे किल कर पाओगे और बहुत आराम से ना अपना रैंक पुश भी कर पाओगे मतलब तुम लोग देख ही सकते हो ना क्या ही खतरनाक वाली ट्रिक है। यहाँ पे लिटरली तुम लोग कोई नहीं देख पाएगा और यहाँ से तुम लोग बहुत सारे किल भी कर पाओगे। और ना बीच में रहोगे तो तुम लोगों को देख भी सकता है तो तुम लोग ना सिर के अंदर आ जाना अपने ट्रक के। और ना जैसे तुम लोग यहाँ पे आ जाओगे यहाँ पे आने के बाद तुम लोग बहुत आराम से अपना रैंक पुश करके बहुत सारे किल भी कर पाओगे। और ना अगर तुम लोग अंदर और बाहर से तुम लोग कोई बंदा देख भी लेता है ना तो मतलब वो गोली चलाएगा तो गोली लगने नहीं वाली। यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो मतलब कोई बंदा है मैं यहाँ पे गोली चला रहा हूँ ना तो अंदर गोली ही नहीं जा रही। तुम लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कोई गोली अंदर जा ही नहीं रही है मतलब कि यहाँ पे आने के बाद ना तुम लोग पूरा अमर ही हो जाएगा और बहुत आराम से इस वाले ट्रिक का इस्तेमाल करके ना तुम बहुत सारे किल करके अपना रैंक पुश भी कर पाओगे। तो अभी अपने तीसरे नंबर वाले ट्रिक को करने के लिए सबसे पहले तुम लोग को जो अपना बिग हेड मोड होता है ना उसको लगा लेना है। फिर जैसे तुम्हारा बिग हेड मोड लग जाएगा तुम लोग अपने गेम को सबसे पहले तो स्टार्ट कर देना और गेम में चले जाना है। और जैसे तुम लोग पूरा गेम में आ जाओगे फिर तुम लोग गेम में आने के बाद करना है कि तुम लोग ना सबसे पहले जाकर तो 20-30 किल कर लेना है 20-30 नहीं मतलब 2-3 किल कर ही लेना है तुम लोगों को। और ना जैसे तुम लोग 20-30 किल कर लोगे तो फिर तुम लोग जो सिर है कुछ ऐसा बड़ा हो जाएगा ना फिर तुम लोग करना है तुम लोग को आ जाना है जोन में। और जोन में आने के बाद ना सबसे पहले तुम लोग ग्रेनेड फेंक के इलिमिनेट हो जाना है यहाँ पे। और ना जैसे तुम लोग जोन के अंदर डाउन हो जाएगा फिर तुम
लोग को गिव अप करके ना मर जाना, और जैसे ही तुम लोग मर जाओगे यहाँ पे तुम्हारा जो रिवाइव के सिस्टम आएगा ना यहाँ पे मैप वाला, फिर तुम लोग कर रहे हैं तुम लोग अपने डाटा को सिंपली ऑफ कर देना है, और ना जैसे ही तुम लोग अपने डाटा को ऑफ कर देगा फिर तुम लोग ना जो अपने मैप को काट देना कुछ ऐसे है, मतलब जैसे ही तुम लोग अपने मैप को काटोगे ना फिर तुम लोग देख सकते हो तुम लोग ड्रोन व्यू में ना पूरा अपने लूट बॉक्स को देख सकते हो, जो देखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है। यहाँ पे अंडा उछल रहा है, और यहाँ पे ना तुम्हारा जिस भी कलर का लूट बॉक्स होगा, जो भी लूट बॉक्स होगा ना कुछ ऐसे तुम लोग को दिखाई देने वाला है पूरा ड्रोन व्यू में, जो देखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है और बहुत ही ऑसम भी लग रहा है। मतलब कि इस वाले ट्रिक को करने के बाद ना तुम लोग बहुत ही आराम से अपने ड्रोन व्यू में अपने लूट बॉक्स को देख पा रहे हो, जो कि देखने में काफी ज्यादा खतरनाक और ऑसम लग रहा है। और इस वाली ट्रिक को करने के बाद ना तुम लोग एक और ट्रिक पता चलती है कि यहाँ पे जो अपना मार्स इलेक्ट्रिक का रोड है ना वो पूरा अंबुजा सीमेंट से बना हुआ है। तो यहाँ पे ना मैंने पूरा फ्री फायर का मिस्ट्री सॉल्व कर दिया कि अपनी सड़कें ना फ्री फायर की किस चीज से बनी है। तो इस वाली ट्रिक के लिए ना एक लाइक तो बनता है और एक सब्सक्राइब भी बनता है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो अभी अपने चौथे नंबर वाले ट्रिक को करने के लिए सबसे पहले तुम लोगों को किसी भी गेम को एक स्टार्ट कर देना क्लासिक, और तुम लोगों को ना याद से वुकोंग करेक्टर को लेके आना है इस वाले गेम में। और ना जैसे तुम लोग गेम के प्लेन में आओगे सबसे पहले तुम लोगों को अपने डाटा को ऑफ कर देना सिंपली से, उसके बाद ना तुम लोगों को करना है कि तुम लोगों को वेट करना है तुम्हारा जंप का बटन ना कब आता है, और ना जैसे तुम्हारा जंप का बटन आएगा तुम लोगों को सबसे पहले तो जंप कर देना और तुम लोगों को नीचे किसी भी साइड उतर जाना है, और ना याद से तुम लोगों को किसी ऊंची जगह पे उतरना है, तुम लोग नीचे उतरोगे ना तो लेट जाओगे, तुम लोग ये वाला ट्रिक वर्क नहीं करेगा। तो सबसे पहले तुम लोग को ऊपर की साइड किसी भी जगह पे उतर जाना है, मार्स इलेक्ट्रिक पे उतर चुका, और ना जैसे तुम लोग नीचे उतर जाओगे फिर तुम लोग वोकम के बटन पर ना दो तीन बार टैप कर देना, फिर तुम लोग अपने डाटा को ऑन कर देना है सिंपली, और ना जैसे तुम लोग अपने डाटा को ऑन कर दोगे प्रॉपर उसके बाद तुम लोग का करना है तुम लोग को ना सिर्फ वेट करना है यहाँ पे, तुम लोग को 20-30 सेकंड एक दो घंटा वेट कर लेना है, और जैसे तुम्हारा वेट खत्म होगा और तुम्हारा पिंग जैसे ही नॉर्मल होगा फिर तुम लोग देख सकते हो तुम लोग हवा में वोकम बन चुके हो। मतलब तुम लोग खुद सोचो ना कैसे ये ट्रिक, मतलब क्या ही ये ट्रिक है कि तुम लोग देख सकते हो तुम लोग हवा में उतरते टाइम वोकम बन चुके हैं, जो कि देखने में काफी ज्यादा खतरनाक और ऑसम लग रहा है। और ना अगर कोई नेवी भी तुम लोग को इसे उतरते हुए देखता तो पूरा पगला ही जाने वाला है कि क्या ही कर रहा है लौंडा। तो अभी अपने लास्ट वाले ट्रिक को करने के लिए सबसे पहले तुम लोग ये वाली गाड़ी लेनी है, तुम लोग ध्यान से देख लो इस वाली गाड़ी को ना तुम लोग को लेना है, फिर तुम लोग ये वाला जो हवाई जहाज प्लेन दिख रहा है ना इसके पास आ जाना है तुम लोग को, और ना जैसे तुम लोग को दोनों चीजें मिल जाए ए प्लेन और व्हाइट वाली गाड़ी अपनी जो तुम लोग सामने देख रहे हो ना यही वाली व्हाइट वाली गाड़ी जैसे ना तुम लोग को मिल जाए फिर तुम लोग करना है कि तुम लोग को गाड़ी में बैठ जाना है सिंपली, और सीट में कला लेके आया तो अपने गाड़ी को डैमेज कर दिया, पर छोड़ो ये सब, मतलब तुम लोग को सबसे पहले गाड़ी में बैठ जाना, फिर तुम लोग ना अपनी गाड़ी को कुछ ऐसे इस वाली जगह पे ना लोकेशन पे कुछ ऐसे लगाना है ना तुम लोग को ध्यान से लगाना, वरना ये ट्रिक वर्क नहीं करेगा। फिर तुम लोग को गाड़ी उतरना है, फिर तुम लोग को इंटर करना है गाड़ी से और गेट आउट करना है, और फिर तुम लोग यहाँ पे आने के बाद कुछ आगे ऐसे बढ़ जाना दो तीन बार, मतलब टैप टैप करके तुम लोग आगे बढ़ जाना अपने जॉयस्टिक को, और ना जैसे तुम लोग यहाँ पे जॉयस्टिक को अपने आगे करके ना फायर एक दो बार कर देते हो तुम लोग तो यहाँ पे ना तुम लोग प्रॉपर फंस जाने वाले हो और यहाँ से तुम लोग निकल नहीं सकते हो, और यहाँ पे ना तुम लोग अपने जॉयस्टिक को घुमा के भी इस वाली जगह से ना नहीं निकल सकते क्योंकि यहाँ पे ना तुम लोग पूरा प्लेन और जमीन के बीच में फंस चुके हो और तुम्हारा पैर भी ना कुछ नीचे जा चुका है तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे, और ना यहाँ पे तुम लोग अपना रन वाला बटन भी दबा के अगर निकलने की कोशिश करते हो तो ऐसे भी तुम लोग यहाँ पे नहीं निकल पाओगे, तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ पर मैं यहाँ से निकल नहीं पा रहा हूँ। तो इस वाली ट्रिक का इस्तेमाल ना तुम लोग अपने फ्रेंड को फंसाने के लिए यहाँ पे कर सकते हो, तो सिंपली तुम लोग कर रहे हैं ना तुम लोग गाड़ी में बैठाना अपने फ्रेंड को ये वाली गाड़ी में, फिर तुम लोग यहाँ पे ना गाड़ी कुछ ऐसे लगा देना उसे बोलना है इंटर गेट आउट करने के लिए, और जैसे वो गेट आउट करेगा ना गाड़ी जो यहाँ पे आएगा वो फंस जाएगा और यहाँ पे मर जाएगा। और ना अगर तुम लोग कुछ ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हो ना जहाँ से तुम लोग निकल नहीं सकते तो वहाँ पे तुम लोग को बैठ जाना और तुम लोग बैठ के ना बहुत ही आराम से वहाँ से निकल सकते हो। तो बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद है कि ना तुम लोग ये वाली वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई है, तो ये वाली वीडियो अगर तुम लोगों को पसंद आई है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, और ना अगर तुम लोगों को कुछ ज्यादा ही ये वाली वीडियो पसंद आई और तुम लोग मेरे जबरा फैन हो चुके हैं ना तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। तो बस अभी के लिए बस इतना ही बोलना था, तो वीडियो खत्म, भागो यहाँ से।